उज्जैन में गलियों की साफ सफाई करके उनका रंग रोगन किया जा रहा है। जिन गलियों में पहले गंदगी रहती थी उन गलियों की नगर निगम द्वारा आवश्यक मरम्मत करवाई जा रही है। साथ ही गलियों की दीवारों पर रंगाई पुताई कराकर उनको और सुंदर बनाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के कई शहरों को चुना गया था मगर उज्जैन का नंबर नहीं आया था। अब उज्जैन नगर निगम द्वारा शहर को साफ स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी गलियां जहां रहवासियों द्वारा कचरा फेंका जाता था अब उनकी साफ सफाई करवाई जा रही है। कुछ गलियां खुले में पेशाब करने वालों की वजह से गंदी रहती थी, ऐसी गलियों में नगर निगम द्वारा आवश्यक मरम्मत कार्य करवाते हुए रंगाई पुताई कर सुंदर चित्रकारी की जा रही है। इन गलियों की साफ सफाई होने से क्षेत्र के रहवासियों को गंदगी और दुर्गंध से छुटकारा मिला है। वहीं अब इन क्षेत्रों में रहने वाले लोग गलियों को साफ एवं स्वच्छ रखने की बात भी करते नजर आ रहे हैं। नगर निगम का प्रयास है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में उज्जैन देश में नंबर वन आए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।